खेसारी लाल यादव ने हाल ही में एक स्टेज शो में कहा था कि नरेंद्र मोदी जी और उनके कुछ वरिष्ठ अधिकारी जो मेरे फिल्म को पास नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम दयाशंकर ओझा है, आप देख रहे हैं टेक टू भोजपुरी चैनल। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक सेकंड भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। खेसारी लाल यादव यानी कि RJD के प्रचारक बन गए हैं और RJD का जब से प्रचार किया है BJP पूरी तरीके से जल गई है। और आपको मैं बता दूं कि BJP के कुछ ऐसे जो लोग हैं जो सेंसर बोर्ड में बैठे हुए हैं, खेसारी लाल के फिल्म को पास नहीं कर रहे हैं। जानते हैं रीज़न क्या है? रीज़न बस इतना ही है कि RJD का इन्होंने सपोर्ट करा है और फिल्म की बहुत सारे एक्शन पार्ट को कहा है कि काट दो। ऐसे ऐसे पार्ट को काटने का दावा किया जा रहा है जिससे कि फिल्म फ्लॉप हो सकती है, क्योंकि वही मेन फोकस है फिल्म का। आपको बता दूं कि खेसारी लाल से बदला निकाल रही है, क्योंकि हाल ही में खेसारी लाल यादव ने जय श्री राम तो कहा था लेकिन RJD का सपोर्ट किया था खुले मंच पर, और खुले मंच पर कहा था कि नौकरी देने वाला सिर्फ तेजस्वी यादव ही है। तो क्या ये सही है, खेसारी लाल से ऐसे बदला निकालना सही है? आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए मुझे कि खेसारी लाल जी की फिल्म को क्या BJP रुकवा रही है? आपका कमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और फिल्म के प्रोड्यूसर कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं।